तो आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे एक सोल्डरिंग स्टेशन। तो इसके मदद से हम सोल्डरिंग स्टेशन बनाएंगे। तो ये नॉर्मली एसी आयरन है। तो सोल्डरिंग स्टेशन में क्या क्या खूबियाँ होती है, पहले बात वहाँ पे आपको उसका जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने के लिए आपको वहाँ पे कंट्रोलर मिलता है, और यही सबसे अच्छी बात है। और एक एडवांस जो सोल्डरिंग स्टेशन होता है उस पे आपका स्टेबल टेम्परेचर मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे, ऑटोमेटिक स्टेबल तो नहीं होगा लेकिन हम उसका टेम्परेचर घटा बढ़ा सकते हैं। तो किसकी मदद से, काफी इजी यहाँ पे प्रोसेस है। एक हमारा एसी सोल्डरिंग आयरन चाहिए और एक फैन रेगुलेटर। तो इसके मदद से हम इसको घटा बढ़ाएंगे, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे कुछ चेंजेस है हमको करना पड़ेगा, तो वो हम करेंगे। और एक मैं एक्स्ट्रा एसी वायर लिया हूँ और एक टिन का बॉक्स। तो इस पे ऑन ऑफ स्विच है और इस जगह पर हमारा रेगुलेटर लग जाएगा और यहाँ पे इंडिकेटर एक लगेगा, और बैक साइड से हमारा एसी एक वायर निकलेगा इलेक्ट्रिक के लिए और आयरन के लिए एक वायर निकलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो पहले आप अगर जानते हो तो ठीक है, लेकिन बता देता हूँ कि 25 वाट का आयरन के अंदर एक डायोड होता है जो कि इसका जो हीट है वो थोड़ा सा कम करता है, नहीं तो ये बहुत ज्यादा हीट हो जाता है अगर आयरन का जो आयरन के अंदर जो डायोड है उसको अगर छोड़ के लगाएंगे। तो हमको आयरन का फुल परफॉर्मेंस चाहिए, मतलब हम जब चाहे इसका वोल्टेज बढ़ाएंगे और जब चाहे इसका वोल्टेज घटाएंगे, और उसके हिसाब से इसका टेम्परेचर ज्यादा और कम होगा। तो मैं उस हिसाब से यहाँ पे इस डायोड को खोल दूंगा क्योंकि हमारा कंट्रोल इस रेगुलेटर के मदद से होगा। तो इससे फायदा ये होगा कि जब हमारा ज्यादा हीट चाहिए तो मैं इस रेगुलेटर को बढ़ा के बहुत ज्यादा भी हीट पा सकता हूँ। वैसे 25 वाट का है, मैं तब चाहे इससे 40 वाट तक भी निकल सकता हूँ। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे इसका जो डायोड है मैं खोल दूंगा। डायोड है, हाँ डायोड है। तो यहाँ पे एक डायोड है, तो इस डायोड को मैं खोल दूंगा। तो यहाँ पे एक डायोड है, ये देखिए इसके अंदर एक डायोड है। तो इसको खोल के मैं यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्ट कर दूंगा, तो उससे हमारा डायरेक्ट यहाँ पे एसी आएगा। जब हम इसका फुल करेंगे तो फुल पावर से ये आयरन चालू हो जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट है। तो चलिए मैं यहाँ पे इस वायर को यहाँ से काट लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे 3 पिन प्लग नहीं चाहिए। वैसे भी ये 3 पिन प्लग का कोई काम नहीं है यहाँ पे, ये फॉल्स है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो 2 ही वायर यहाँ से निकल रहा है। तो ये काफी कम प्राइस में आता है और इस पे आपका काफी ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा, आपका कम प्राइस पे ही ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको काट देता हूँ। तो पहले हम इसको लगाएंगे, उसके बाद इस क्यूनेट पर लगाएंगे। तो मैं आउटपुट के लिए इसको चुन लेता हूँ, यहाँ से हम आउटपुट करेंगे और इस वायर का इनपुट जो कि हमारा एसी वायर है, तो नॉर्मल 2 पिन वाला है ये। ठीक है, तो मैं इस वायर को यहाँ से लगा लेता हूँ। सिंपल सा चीज़ है, इसके बीच पे हमारा रेगुलेटर लगेगा और हमारा कम बन जाएगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और इससे आपका खर्चा भी कम होगा और आपको एक कंट्रोल वाला आपको सोल्डरिंग आयरन मिल जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको सोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो इस वायर के साथ इसको सोल्डरिंग करना है, सिंपल सा चीज है, अब अगर नोटिस करेंगे तो आप भी कर सकते हो आसानी से।
ठीक है। तो अभी मेरे पास मैचिस का झंझट है, हीट सिंक ट्यूब को मैं ऐसे ही लगा दूंगा। ओके हो गया, तो ये दो यार रह गया। तो इसके अंदर आपको रेगुलेटर लगाना है, रेगुलेटर को मैं खोल लेता हूँ। तो कम प्राइस का रेगुलेटर है, ज़्यादा प्राइस का नहीं है, क्योंकि मेरा वैसे भी 25 वाट का ही यहाँ पे आउटपुट चाहिए, तो मेरा ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, 50 रुपये का आसपास आता है। ओके, तो हमको यहाँ पर इसको प्रेस कर देना। ओके, तो चलिए मैं इसको लगा दिया हूँ। अभी यहाँ पे रेगुलेटर का कनेक्शन करना है, तो कैसे करेंगे, तो वो भी एकदम सीधा है, दिखा देता हूँ आप लोगों को। ओके, डन। हो गया है कनेक्शन, और ये जाएगा हमारा इस स्विच पर, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस स्विच से ऑन ऑफ हो। तो आप देख लीजिए स्विच का कनेक्शन कुछ इस तरीके से है, नीचे जाएगा तो ऑन होगा। तो मैं दो पैरेलल करके शॉर्ट करता हूँ, क्योंकि इससे हमारा स्विच पे अगर गड़बड़ी हुई तो यहाँ पे गड़बड़ काम होगा। ठीक है, तो अभी एक इंडिकेटर लगाना है, और यहाँ पे जो काम था मैं वो कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ से डायोड को मैं खोल देता हूँ। इस डायोड को मैं खोल दिया, तो यहाँ पे मैं इसको अभी लगा देता हूँ अभी। और हमारा इस तरफ का वायर का आयरन का जो भी चीज है वो कंप्लीट हो गया, तो अभी इसको को लगा देते हैं अभी। तो चलिए यहाँ पे हमारा आयरन यहाँ से कंप्लीट, और तो सिर्फ हमारा यहाँ पे एक एलईडी इंडिकेटर जोड़ना है, और यहाँ पे एक मैं केबल टाइप लगा दूंगा जिससे बाहर ना निकले। ठीक है, और यही काम बाकी है, उसके बाद टेस्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे इंडिकेटर लाइट को ठीक कर ले हूँ, और मैं यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाया हूँ, और उसके साथ एक डायोड। तो डायोड लगाने के कारण यहाँ पे डीसी करने के लिए मैं इसको लगाया, क्योंकि एलईडी नॉर्मली डीसी के लिए जलता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे डायोड लगा दिया, और रेजिस्टेंस वो 100 के ही मैंने लगाया। यहाँ पे एक डायोड, आप डायोड किसी भी तरफ लगा सकते हो, उस हिसाब से यहाँ पे कैपेसिटर को लगाना होता है पॉजिटिव के तरफ, और नेगेटिव हमारा एक ही रहेगा। एक ही डायोड लगाया गया है एक पिन पर, और एक पिन पर इस रेजिस्टेंस को लगाया गया है जो कि 100 ओम के का है। तो ऐसा करके हमारा काम कुछ इस तरीके से कर रहा है। तो उसके बाद मैं इसको लगा के आप लोगों को फुल डेमो दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मैं एक घट घुमाऊंगा इंडिकेटर जलने लगा है। थोड़ा सा इस लाइट को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये लाइट का ब्राइटनेस बढ़ता जा रहा है, आप देख सकते हो। तो ये फुल उसके बाद फिर से बंद हो जाएगा, तो उसके बाद फिर से ये सबसे वाला कम। तो इस तरीके से हमारा ये काम कर रहा है, और इस ये सिर्फ ऑफ ऑन के लिए। ठीक है, तो चलिए कैसा गर्म होता है, कैसा इसका परफॉर्मेंस है, मैं इसको कैबिनेट को पहले लगा लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगा।
तो चलिए मैं इसको ऑन करता हूँ अभी और देखता हूँ कैसा इसका परफॉर्मेंस है। तो अभी ये फुल पर है, ठीक है। तो अभी ये फुल, तो लाइट थोड़ा सा ब्लिंकिंग हो रहा है क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी के हिसाब से और कैमरा का जो फ्रेम रेट है उस हिसाब से आपको थोड़ा सा ब्लिंकिंग महसूस हो रहा है। तो चलिए मैं इसको फुल एकदम हिट पर रखा हूँ, देखते हैं कितना टाइम लेता है। तो फुल हिट पर कितना टाइम लेता है और कैसे काम करता है वो देख लेते हैं। तो अभी भी अभी यहाँ पे जो ग्लू लगा था वो गल गया है और थोड़ा सा टाइम ले रहा है। जी काम हो गया, तो बहुत ही फास्ट अभी गर्म हो रहा है। तो मैं चाहू तो इसको थोड़ा सा लो कर देता हूँ अभी। तो इसका क्या खास फायदा है, तो एकदम लो कर देते हैं अभी। एक जो बना है ये आप चाहो तो रिपेयर कर सकते हो और आपको इसके लिए ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं और इससे रिलेटेड आपको अगर कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना और आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, बाय।